साइकोलॉजिकल काजेज ऑफ ओ डी डी यानी ऑपोजिशनल डेफियन डिसऑर्डर्स की साइकोलॉजिकल काजेस क्या होंगी या क्या हो सकती हैं तो देर आर सो मैनी साइकोलॉजिकल कॉजे विच कैन एक्सबिट द ओ डी डी इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिस्कस किया जाता है वो इन सिक्योर अटैचमेंट का या अनरिस्पांसिव पेरेंट्स का फैक्टर है अब ये बेसिकली है क्या चीज़ इट इज़ समथिंग कि जो बच्चा होता है जब वो छोटा होता है तो डेफ़िनेटली उसका एक इंटरेक्शन होता है अपने पेरेंट्स के साथ अगर वो इंटरेक्शन जो है वो सिक्योर हो यानी व्हेन एवर द चाइल्ड वांट्स हिज और पेरेंट्स दे आर अवेलेबल तो उसका एक बाउंड सिक्योर होगा जो सिक्योर अटैचमेंट है वो बहुत सी पैथोलॉजी से बच्चे को सेफ़ कर लेती हैं लेकिन अगर जिस वक्त बच्चे को पेरेंट्स की ज़रूरत होगी वो उस वक्त मौजूद नहीं होंगे तो डेफ़िनेटली बच्चे के अंदर एक इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाएगी ये जो इनसिक्योरिटी है ये समाइम ओ डी डी को डेवलप होने की आ, होने की वजह बन सकती है मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जिसके मल्टीपल जो हैं वो केयर टेकरस हैं और उसको एक लंबा अरसा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ सेपरेशन में गुजारना पड़ता है तो इट माइट पॉसिबल कि वो बच्चा जो है वो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स जो हैं वो एक्ज़िबिट करना शुरू कर दे एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियल प्रॉब्लम्स जो मैनीफेस्ट होना शुरू हो जाएँ और जो बच्चे के टेम्पर टेंट्रम्स हैं या एग्रेसिव मूड है आ, या जो उसकी डिसोबीडियंस है आ, वो जो है वो एग्जिबिट होना शुरू हो जाए तो जो इन सिक्योर अटैचमेंट है यानी पेरेंट्स की एबसेंस जो है वो सर्टन टाइम Uh, जो है वो इस किस्म का प्रॉब्लम एग्जिबिट करने की एक बड़ी वजह बनती है इसी तरह अनरस्पॉन्सिव पेरेंट्स जो होते हैं सर्टेन टाइम पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत हार्श पेरेंटिंग करते हैं और सम टाइम वो नेगोशिएशन की तरफ नहीं जाते वो बच्चे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते या इनकन्सटेंट डिसिप्लिन जो है वो एग्ज़िबिट करते हैं यानी कभी बात मान ली कभी नहीं मानी और इनकन्सटेंसी यानी बच्चे को ये समझ ही नहीं आती कि किस सिचुएशन में या कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए डूज हैं एंड कौन सी चीज़ें उसके लिए डोंट्स हैं तो ये जो इस किस्म का बिहेवियरल पैटर्न होता है पेरेंट्स का या आपस में जो पेरेंटल डिस्कॉर्ड होता है वो जब बहुत ज़्यादा एग्जिबिट होना शुरू हो जाता है और बच्चा उसको ऑब्ज़र्व करता है तो उसकी वजह से भी जो बच्चे के बिहेवियर्स हैं और वो इस किस्म के डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ओडीडी के डायग्नोसिस की तरफ जा सकता है तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्लिनिकल इंटरव्यू ऑफ़ द पेरेंट्स के बच्चे का जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे पेरेंटिंग हो रही है वो किस किस्म का है और उनके जो आर्गूमेंट्स हैं पेरेंट्स के या फैमिली के वो आपस में किस तरीके से होते हैं क्योंकि जो आर्गमेंटेटिव पेरेंट्स हैं उनके बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसी तरह पेरेंट साइकोपैथोलॉजी यानी मटरनल एग्रेशन जो है यानी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो एब्यूसिव हो और उसकी हार्श पेरेंटिंग हो टूव द चाइल्ड तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल के बच्चे के अंदर एक रिजेंटमेंट डेवलप करती हैं और बच्चा जो है वो सस्पेंशन शो करता है टूवर्ड्स द कमांड तो वो कोशिश ये करता है कि जो भी अथॉरिटी फिगर है वो उसके साथ आर्गूमेंट में जाए और उसकी तरफ आर्गूमेंट डेटे वो बिकॉज द चाइल्ड इज़ ट्राइंग टू चैलेंज दैट uh, थिंग uh, के वो जो अथॉरिटी फिगर है वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करना चाह रहा होता है और उसको एक तरह से सिम्बोलिक हेटेडनेस जो है टूवर्ड्स द अथॉरिटी फिगर डेवलप हो जाती है तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये कॉजेज बन सकते हैं किसी भी बच्चे के अंदर ऑडिडी की मैनिफेस्टेशन के तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के अंदर Uh, जो कि वर्क कर रहे हैं टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ओ डी डी प्रॉब्लम थैंक यू